आज हम जानना चाहते हैं कि दुनिया भर के युवाओं के लिए भगवद गीता का सबसे जरूरी संदेश क्या हो सकता है। अगर हम किसी चीज को संदेश के रूप में देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण संदेश न सिर्फ गीता का बल्कि कृष्ण के संपूर्ण जीवन का यह है कि देखिए, कई मायनों में उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। बहुत सारे युद्ध हैं, लड़ाइयां हैं, ऐसे लोग हैं जिनके इरादे और काम बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, तो उनका जीवन कई मायनों में संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है। महामारी की हमारी चुनौती उन चुनौतियों के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिनका सामना उन्होंने अपने जीवन में किया। तो हालांकि बाकी सभी पांडव, कौरव और दूसरे लोग जो इस नाटक में शामिल हैं, उन सभी ने काफी कष्ट झेला, या तो गुस्से या नफरत या पीड़ा या शर्म के कारण बहुत सी चीजें हर किसी के साथ हुईं, लेकिन कृष्ण वो अकेले इंसान थे जो इस पूरे भयानक नाटक से, बहुत खतरनाक नाटक अगर आप मुझसे पूछें, और भयानक युद्ध और हर चीज से अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट लिए हंसते खेलते गुजरे। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शामिल होना, पूरी तरह से शामिल होना। उन्होंने कभी ये नहीं दर्शाया कि मैं शामिल नहीं हूं। हर जगह, हर छोटी और बड़ी चीज में, मामूली और महत्वपूर्ण चीजों में, हर चीज में वो पूरी तरह शामिल थे, लेकिन पूरी तरह से खेल भावना में, बिना उसमें उलझे हुए। शामिल लेकिन बिना उसमें उलझे हुए, मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इंसान के साथ होनी चाहिए, खासकर युवाओं की अगली पीढ़ी के लिए। उन्हें समझना चाहिए कि भागीदारी का मतलब उलझना नहीं है। आप अपने जीवन में हर चीज में पूरी तरह शामिल हो सकते हैं, लेकिन बिना उलझे हुए। मैं, मेरी समझ में, जीवन के मेरे अनुभव में, मेरे हिसाब से ये कृष्ण और उनकी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जीवन को खेल भावना से जीना, जीवन को, जीवन के सबसे गंभीर पहलुओं को अपने जीवन में सहजता से लेना, क्योंकि आखिरकार हम यहां बहुत कम समय के लिए हैं। हम यहां हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं। हम नश्वर इंसान हैं। आज हम यहां हैं, कल हम जा चुके होंगे। हमें इस जीवन को सहजता से संभालना सीखना होगा, फिर हम उचित चीजें करेंगे। जैसे ही हम हर चीज को लेकर गंभीर हो जाते हैं, फिर हम बीमार बन जाते हैं। देखिए, कम से कम भारत में जिस तरह हम अंग्रेजी बोलते हैं, अगर कोई कहता है मेरी दादी सीरियस हैं, तो हम समझते हैं कि वो मर रही हैं। तो अगर लोग गंभीर हो गए हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि वो जीवन से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से कृष्ण के संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये जीवन, जीवन और जीवन है।